नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। देश में दिव्यांगों को स्वरोजगार व आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने पहल की है, जिसके तहत आज वाराणसी के चौधरी चरण सिंह बस स्टेशन पर वाराणसी रीजन का पहला दिव्यांग स्टॉल खुला। वाराणसी के कुलदीप कुमार को स्टॉल संचालक करने की जिम्मेदारी दी गई। इस अवसर पर दिव्यांगों की एक सामाजिक संस्था एक उम्मीद के प्रयासों से व उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के सहयोग से प्रदेश के दिव्यांगजनों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए व आत्मनिर्भर बनाने के लिए बस स्टेशन पर दिव्यांग स्टॉल देकर रोजगार की पहल की शुरुआत की गई। स्टॉल का शुभारंभ वाराणसी के जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा ने किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन निगम श्री एस के राय व जिला दिव्यांग अधिकारी राजेश मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद थे। आप देख रहे हैं वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। स्टॉल करने से दिव्यांगों को क्या फायदा होगा, उनको कैसे? ये रोडवेज का और दिव्यांग संस्था का दोनों का ज्वाइंट उपक्रम है कि दिव्यांग लोगों के स्टॉल्स हम लोग लगवा के दिव्यांग लोगों के लिए स्वरोजगार है वो ज़्यादा प्रमोट कर सकें। तो रोडवेज का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ के आर एम साहब ने दिव्यांग एक उम्मीद संस्था के साथ मिल के ये स्थान आइडेंटिफाई किया, फिर संस्था ने ये पूरा स्टॉल बनवा के यहाँ पर इंस्टॉल करवाया है। दिव्यांग लोगों के चयन की कार्रवाई ACM के अंडर में गठित कमेटी के द्वारा की गई है। जितने भी दिव्यांग लोगों ने अप्लाई किया उनका इंटरव्यू लेके उनमें से सुपात्र का चयन किया गया है। जिनका चयन आज यहाँ पे हुआ है वे खुद और उनकी वाइफ दोनों दिव्यांग हैं, तो वे दोनों इस कैंटीन का बहुत अच्छे से संचालन कर सकेंगे। इसमें पैक्ड प्रोडक्ट ही बिकेंगे या भविष्य में जो ODOP के प्रोडक्ट हैं वो बिकेंगे। इससे यात्रियों को भी सुविधा होगी, साथ ही साथ जो हमारा रोडवेज का स्टाफ है उसको भी सुविधाएँ होंगी, और इनको देख के बाकी दिव्यांगों को भी प्रेरणा आएगी कि वो खुद का रोजगार भी डेवलप करें, केवल सरकारी नौकरी के भरोसे ना रहें, खुद का रोजगार अपने पाँव पे खड़े होकर अच्छी इनकम अर्न करना, उसका मॉडल कैसे यहाँ पे अडॉप्ट किया जा रहा है उसको भी साक्षात देखें, और भविष्य में वो कैसे हम लोग उनको भी कैसे मदद कर सकते हैं वो भी आके हमारे दिव्यांग ऑफिस में, दिव्यांग कल्याण में या हमारे श्रमयोजन के ऑफिस में आके अपना भी अपना जो है आगे भविष्य के रोजगार की तैयारी करें। इसी प्रकार के स्टॉल्स हैं हम लोग कलेक्ट्रेट में, विकास भवन में, तहसीलों में और भी खुलवाने के ऊपर कार्य कर रहे हैं। निकट भविष्य में आपको वो भी रिजल्ट देखने को मिलेगा कि अलग अलग जगह मिल्क पार्लर हैं, जो हमारे पराग बूथ हैं, जो अमूल के बूथ हैं, उनको हम लोग संचालित करवा सकें, और उनके माध्यम से जहाँ जहाँ सरकारी ऑफिसेज हैं लोगों का आना जाना रहता है वहाँ पे हम लोग ऐसे स्टॉल संचालित कर सकें जहाँ से लोगों को स्वरोजगार का लाभ हो सके।